हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। ठीक है ना, ये हमको प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू का जो भी वैल्यू आएगा वो कॉस ए अपॉन टू के इक्वल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, केवल इन्फॉर्मेशन इतना दिया है कि एंगल ए बी सी जो है ट्राइंगल ए बी सी का इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो यहां से हम क्या डिपिक्ट कर सकते हैं, यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो देखेंगे। यहां से तो दिया गया है कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल, मतलब ये तीन एंगल्स है, ए बी सी इंटीरियर एंगल्स है। अब हमको मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहां पर इंटीरियर एंगल्स क्या है, ए बी सी है, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां से हम यही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लिखेंगे सिंस वी नो दैट the sum of interior angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, ये हमको मालूम है कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है ना, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहां पे कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स दिए गए हैं, तो ए बी सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है ना, अब ध्यान से समझेंगे। यहां पर हमको जो भी चीज प्रूफ करना है उसके एलएचएस साइड में बी प्लस सी है और आरएचएस साइड में ए है, तो क्या करेंगे, हम बी प्लस सी को इधर ही छोड़ देंगे और इस ए को उधर भेज देंगे, क्योंकि हमको B प्लस सी और A कहां से मिलेगा, ये B प्लस, ये जो B और बी सी ए जो है ये ट्राइंगल का ही तो एंगल है। ठीक है ना, और ट्राइंगल का एंगल हमको यहां पे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, कि A प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे एल एच एस साइड में B प्लस सी को एक तरफ कर देंगे और इस A को आर एच एस साइड भेज देंगे, तो इधर हमको क्या मिलेगा, इधर केवल हमको मिलेगा B प्लस सी बराबर, अगर हम इस A को उधर भेज दें तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो भी हमको प्रूफ करना था उसके एलएचएस में बी प्लस सी है। अब हमको केवल बी प्लस सी नहीं चाहिए, हमको बी प्लस सी अपॉन टू चाहिए, तो बी प्लस सी अपॉन टू कैसे मिल सकता है, इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ टू से डिवाइड कर देते हैं, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई टू, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिए, टू से, तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट यहां से हमको मिल जाएगा b प्लस सी अपॉन टू बराबर, यहां से मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस ए अपॉन टू। क्लियर है यहां पे, अब हम देखेंगे तो b प्लस सी अपॉन टू बराबर, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, कैसे, 180 डिग्री अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे तो b प्लस सी अपॉन टू बराबर 180 डिग्री अपॉन टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू। ठीक है, यानी कि b प्लस सी अपॉन टू का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू आ गया। ठीक है ना, इसको इक्वेशन वन मानते हैं। अब हमको क्या करना है, साइन b प्लस सी को कॉस a अपॉन टू के इक्वल दिखाना है, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे नाउ साइन चाहिए, आप लिखेंगे पहले LHS। ठीक है ना, LHS में क्या है मेरा, LHS बराबर है साइन b प्लस सी अपॉन टू, साइन b प्लस सी अपॉन टू, तो यहां से आ जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन टू का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू, लिख देंगे 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू। अब देखें ध्यान से, तो ये जो है 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहां से आ जाएगा कॉस थीटा कितना है, ए अपॉन टू, जो कि किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है। हमको यही प्रूफ करना था कि साइन बी प्लस ए अपॉन टू किसके इक्वल होगा, कॉस ए अपॉन टू के इक्वल होगा, यहां पर प्रूफ हो गया। ठीक है, और यहां पर रीजन लिख देंगे, सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, यहां पर रीजन लिख देंगे। क्लियर है यहां पर, तो प्रूफ हो गया। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एलएचएस बराबर आरएचएस हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। क्लियर है यहां पर, तो इस क्वेश्चन में हमको साइन बी प्लस सी अपॉन टू को कॉस ए अपॉन टू के इक्वल प्रूफ करना था, यहां पे हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।